ने क्या खूब कहा है, सबसे ज्यादा आनंद उन्हें प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला को सीख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपका नए YouTube चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन से बड़े और खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस ब्लॉग को बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज शनिवार है, शनिदेव महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा शनिदेव महाराज आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आगे चाणक्य ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को समाज में इस कारण से मिलता है मान सम्मान। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि बुरे समय में इंसान की बुद्धि और विवेक उसका साथ छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति भी संकट में उलझकर सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। इस संदर्भ में चाणक्य एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि संकट से घिरे हुए इंसान का उसी तरह से विवेक शून्य हो जाता है जिस तरह स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए भगवान श्री राम हो गए थे। ये जानने के बाद भी कि स्वर्ण मृग नहीं होते हैं, वे उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। अर्थात बुरे समय में बुद्धिमान लोग भी अनुचित कार्य कर बैठते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि श्रेष्ठ गुणों और स्वचरित्र का महत्व स्वीकार है। वे कहते हैं कि इन्हीं के कारण साधारण इंसान श्रेष्ठता के शिखर की ओर अग्रसर होता है। जिस प्रकार भवन की छत पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार ऊंचे आसन पर विराजमान व्यक्ति मान नहीं बनता है। मानता के लिए इंसान में सद्गुणों एवं स्वचरित्र का होना जरूरी है, इससे वो नीच कुल में जन्म लेकर भी समाज मान सम्मान प्राप्त करता है। धन और श्रेष्ठ गुणों में से चाणक्य ने सद्गुणों को अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कहा है। वे कहते हैं कि समाज में सद्गुणों से इंसान को सम्मान प्राप्त होता है, इसके लिए प्रचुर धन का होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार पूर्णिमा के चांद के स्थान पर द्वितीया का छोटा चांद पूजा जाता है, उसी प्रकार सद्गुणों से युक्त इंसान निर्धन एवं नीच कुल में जन्म लेकर भी सम्मान प्राप्त करता है। दोस्तों आज का चाणक्य नैतिक ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों दोस्तों आज कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 3। अब बात करते हैं दोस्तों कन्या राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन आई जानते हैं। कन्या राशि वाले, आज आपको आराम करने और करीबी दोस्तों परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत है। अपने खर्चों पर काबू रखें और आज हाथ खोलकर व्यय करने से बचें। अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे का प्रबंधन न करने दें, नहीं तो जल्दी आप अपने तयशुदा बेड से आगे निकल जाएंगे। अटके कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। आज आपके करीबी लोग आपके करीब आने की कोशिश और करेंगे, लेकिन अपने मन को शांत बनाए रखने के लिए आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खूबसूरत है। दिन की शुरुआत में उत्साह महसूस होगा, लेकिन अपनी कार्य क्षमता पर बार बार लोगों द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों के कारण चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। दूसरों की बातों को अधिक महत्व न देते हुए काम पर अपना ध्यान बनाए रखें और आपके जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उससे जुड़े निर्णय लेते समय खुद पर ध्यान रखें। आज व्यवसाय में बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी, परंतु किसी नए कार्य संबंधी कोई भी निर्णय न लें, क्योंकि एक गलत निर्णय आपके लाभ को हानि बदल सकता है। शेयर आदि जैसे कारों में पैसा न लगाएं। पारिवारिक तथा व्यवसाय गतिविधियों के बीच उसे सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम प्रसंग में समझौते ऐसी स्थिति न आने दें। कन्या राशि वाले, आज एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स मिल सकते हैं। अपोजिट जेंडर वालों की मदद से भी कन्या राशि में धन लाभ हो सकता है। अपने व परिवार की सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य विशेषकर माता पिता या भाई बहनों को अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन काफी बेहतर रहने की संभावना है। अपने जीवन साथी से भरपूर प्रेम व सहयोग की उम्मीद आप रख सकते हैं। दोस्तों नौकरी में भी आपकी किस्मत खूब चमकने के आसार है। आप पहले के मुकाबले काफी जोश ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे छात्रों को अच्छे खासे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। व्यापारी की नई व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, मगर निवेश करते वक्त आपको सतर्क रहना होगा। आर्थिक उन्नति करने के लिए समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज अगर आप सफलता चाहते हैं तो नीले रंग के वस्त्र धारण करें, लाभ होने की संभावना ज्यादा बनी हुई है। कन्या राशि वाले, आज आपका स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। किसी अपरिचित पर अति विश्वास न करें, विवाद से कलेश होगा, दूसरों के उकसाने में न आए। आप प्रत्याशित खर्च सामने आएंगे, चिंता तथा तनाव रहेंगे, व्यवसायिक गति धीमी रहेगी, आय में निश्चितता रहेगी, कोई बड़ी समस्या आ सकती है, धैर्य बनाए रखें। कन्या राशि वाले, आज एक सफल जीवन का आनंद लेंगे। एक समय पर एक ही काम करें, घर में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस के लिए दिन अनुकूल है। कोर्ट कचहरी के मामले आपको परिवार का साथ मिलेगा। विरोधी नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। बुजुर्गों के मार्गदर्शन से किस समस्या का समाधान होगा। आपको मई मस्ती के कुछ बेहतर मौके प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन काफी बेहतर रहने की संभावना बनी हुई है। कन्या राशि वाले, आज अच्छे व्यवसाय के अवसर आपके व्यवसाय को बढ़ाने और विकसित करने में अति सहायक सिद्ध होंगे। आप नए क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार होंगे, उद्यमी अच्छा करेंगे। आर्थिक रूप से आप
सुरक्षित रहेंगे और संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। बच्चे अपने अपने क्षेत्र में अच्छा करेंगे और आप उन पर गर्व करेंगे। परिवार आपका पूर्ण सहयोग करेगा तथा परिवार में सदस्यों के मध्य स्नेही वातावरण बना रहेगा। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे जातकों का आत्मविश्वास उन्हें बीमारी से पार पाने में मदद करेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। कन्या राशि वाले, आज आपको अपना धैर्य बनाकर रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी बात से आपका मन दुखी भी हो सकता है। आज आपकी फिजूल खर्ची आप पर भारी पड़ सकती है। व्यवसाय में जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ नहीं है। धैर्य के साथ अपना काम करें और बुरी परिस्थितियों से घबराएं नहीं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जिससे आपकी हिम्मत बनी रहेगी। कन्या राशि वाले, आज आपका अपने साथी के साथ विवाद या झगड़ा हो सकता है, अतः अपने गुस्से पर काबू रखें। याद रखें कि हर रिश्ते को स्थापित करने के लिए कुछ समय लगता है। परिवार या पड़ोस में कुछ तनाव हो सकता है। व्यक्तिगत संबंधों को धैर्य से सुलझाएं। लोगों सलाह और मार्गदर्शन के लिए आप पर निर्भर रहेंगे। यदि आप महत्वपूर्ण परिवर्तन कदम दर कदम लाते रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। आपकी वित्तीय स्थिति में जल्दी सुधार देखने को मिल जाएगा। अतः दूसरों की प्रतीक्षा किए बगैर किसी भी कार्य के लिए खुद अगुवाई करें। आप परेशान हो जाए ऐसा कोई बड़ा स्वास्थ्य संबंधित मुद्दा भी नहीं है। अनावश्यक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। परिवर्तित जीवन शैली बेहतर स्वास्थ्य और जीवन की उत्कृष्टता की दिशा की ओर पहला कदम होगा। दिन के पहले भाग में आप मानसिक दुविधा में खोए रहेंगे। बाद में हालांकि आप सुलह का समाधान पूर्व रवैया अपना लेंगे। आपको नए और अज्ञात स्थानों की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। ये सफर निजी प्रमोद या व्यापार के लिए हो सकता है, परंतु ये यात्रा सफल भी जरूर होगी। कोई ऐसी अच्छी खबर जिसका आप एक लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज आपको मिल सकती है। समय शांतिदायक और आनंददायक चल रहा है। आपका आत्मविश्वास भी उम्मीद और आशाओं से जागृत करेगा। घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश भी कामयाब होगी। कोई धार्मिक आयोजन संबंधी योजना बन सकती है। दूसरों के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें, क्योंकि कोई वाद विवाद होने के आसार बने हुए हैं। इस समय कोई भी यात्रा करने से समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से ये दिन ठीक नहीं रहेगा। छठे भाव में केतु विराजमान है जो शत्रु ऋण और रोग का भाव है। आठवें भाव में शनि विराजमान है जो आयु खतरा और दुर्घटना का भाव माना जाता है। और द्वादश भाव में राहु व सूर्य की उपस्थिति है जो खर्च तथा नुकसान का भाव होता है। ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही सकती है। तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों आज शनिवार है, शनिदेव महाराज का दिन है। दोस्तों घर में रहकर अगर सच्चे मन से शनिदेव महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो शनिदेव महाराज आपके जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कन्या राशि फल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यह का राशि फल अपने दोस्तों में शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।